हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिचय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। यह ऐप आपके CGPSC एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज विथ हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों के आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। पिछले बार हुए CGPSC के एग्जाम में इससे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे गए थे और CMO में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इस ऐप पे इंग्लिश में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है। तो जाइए, इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन अव्यवस्थित है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन अव्यवस्थित है बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, उत्तर पूर्वी सीमा भाग पर। देखिए क्या होता है, इसे कन्हार को काली मिट्टी भी कहते हैं। ओके, स्थानीय भाषा में इन्हें कन्हार या भुर्री कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी स्थान बलरामपुर तथा जशपुर जिले में फैली हुई है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें लौह की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है क्या बोला गया है? बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है, कौन से क्रम में है? उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, टीकरा। ऑप्शन सर, मरहान, टीकरा, माल और गभार, ये सभी क्या है, बस्तर में के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम है। यह उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर ढलान की ओर है। ओके, याद रखेंगे मरहान, टीकरा, माल, गभार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है बोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, रायगढ़। रायगढ़ जिले में मैकल श्रेणी नहीं है। देखिए क्या है, मैकल पर्वत राज्य के मध्य पश्चिम भाग में विस्तृत है। ओके, तथा यह कबीरधाम, बिलासपुर, राजनांदगांव जिले में क्या है, विस्तृत है, फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर से 900 मीटर तक है, ये याद रखेंगे। बंदरगढ़ चोटी इसकी सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1175 मीटर है। ओके, ये सब याद रखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा स्थान कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप है? क्या बोला गया है, कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप है। तो इस प्रकार के आप कर्क रेखा, IMT रेखा को आप मैप में देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, क्या है, बैकुंठपुर। बैकुंठपुर कर्क रेखा से बहुत अधिक समीप में है। उसके बाद आता है अंबिकापुर। तो इस प्रकार आप कर्क रेखा को मैप में देख सकते हैं और प्रमुख स्थान को याद रखेंगे कौन किसके पास में है। ओके गाइस, जैसे कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर। ओके, इसके आसपास के प्रमुख स्थान को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में दैनिक तापांतर किस महीने अधिक होता है? क्या बोला गया है, दैनिक तापांतर क्या होता है? दैनिक तापांतर, अंतर का परिभाषा समझ लेंगे। किसी एक निश्चित दिन में उस दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों के अंतर को बोलते हैं दैनिक तापांतर। साल भर में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में किस महीने दैनिक तापांतर अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मार्च के महीने में। ओके, याद रखेंगे मार्च के महीने में दैनिक तापांतर अधिक होता है। और इसके बारे में प्रमुख देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा रहता है? तो रहता है मई का महीना। ओके, और स्थान कौन सा रहता है? चांपा। और सबसे ठंडी का मौसम कौन सा रहता है, कौन सा महीना सबसे ठंड रहता है? तो दिसंबर, जनवरी। और ये कौन से स्थान में? अंबिकापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर परिक्षेत्र में मिलने वाली मिट्टियां हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर के परिक्षेत्र में मिलने वाली मिट्टियां कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। ये सभी मिट्टियां बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, मरहान, बाड़ी, गाभर, टीकरा, इन सभी मिट्टियों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरलाटा चोटी राज्य की सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध पार्ट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सामरी पार्ट में। ओके, यह राज्य की उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है जो कि बलरामपुर जिला में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर लगभग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, महानदी बेसिन को। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। महानदी बेसिन और इम्पॉर्टेंट है सरगुजा बेसिन, दंडकारण्य के पठार, जसपुर, सामरी पाट, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित मैकल पर्वत की प्रमुख चोटी निम्न में से कौन सी नहीं है। तो देखिए मैकल पर्वत श्रेणी है, उसकी सभी चोटियों को आप याद रखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यप्रभा, मैकल पर्वत की चोटी नहीं है। बाकी देखेंगे सोनभद्र, बंदरगढ़, देवसानी, ये सभी मैकल पर्वत की चोटी के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है। आपके इस चारों ऑप्शन में, ये जो चार ऑप्शन दे रहे हैं दिए हैं, उनमें से कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से शामिल है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, डेक्कन जैव क्षेत्र में। ओके, देखिए क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ओके, छत्तीसगढ़ भारत के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है और यह डेक्कन जैव क्षेत्र में के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरियों के लहुरी शाखा के कलचुरी शासक ब्रह्मादेव राय के किस अभिलेख के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर व दक्षिण में स्थित कुल छत्तीसगढ़ स्थित थे, जिसके कारण यह परिक्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कहलाया। विदित हो कि छत्तीसगढ़ के नामकरण का यही सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। क्या बोला गया है, किस ब्रह्मदेव राय के किस अभिलेख के अनुसार, क्या बोला गया है, उत्तर और दक्षिणी में 18-18 गण थे, मतलब टोटल कितने गण थे, 36 गण। तो किस अभिलेख के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, खल्लारी अभिलेख। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, खल्लारी अभिलेख में लिखा गया है कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18-18 गण स्थित थे, इसी के कारण इसका नामकरण छत्तीसगढ़ हुआ। ओके, रतनपुर के अधीन 18 गण और रायपुर के अधीन 18 गण होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्व प्रमुख कछार कौन सा है। सर्व प्रमुख कछार बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, महानदी कछार। महानदी कछार छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख और प्रमुख कछार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा और आईएमटी छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में क्रॉस करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और जो आईएमटी रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रॉस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, किसमें, सूरजपुर जिले में। देखिए आईएमटी रेखा जो होते हैं, भारत मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 जिले हैं, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद, इन सभी जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन यह सिर्फ सूरजपुर पर ही क्रॉस करती है कर्क रेखा से। ओके, याद रखेंगे, और जो आईएमटी है यह भारत के मिर्जापुर से नापा जाता है, मिर्जापुर को इसको हम स्टैंडर्ड रखे गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है। ज्ञातव्य हो कि यह क्षेत्र भारत के धान के कठोरे के नाम से जाना जाता है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान बोला गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो बीच का भाग है छत्तीसगढ़ के, वह छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, कड़प्पा शैल समूह के अंतर्गत आते हैं। ओके गाइस, इससे देख लेते हैं, प्रमुख समूह उत्तर में गोंडवाना समूह और मध्य में कड़प्पा शैल समूह आते हैं, और दक्षिण में आ जाता है धारवाड़ शैल समूह। इन सभी शैल समूह को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बैलाडीला की प्रमुख पहाड़ी नहीं है। देखिए बैलाडीला की प्रमुख पहाड़ी नहीं है बोला गया है, ये आ जाएगा इसका आंसर अभुजमाड़। बाकी देवगढ़, तुलसी डोंगरी, टीकनपल्ली, ये सभी बैलाडीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले का रहता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया, सबसे कम किस जिले का तापमान रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा। ओके, अंबिकापुर का तापमान सबसे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 36वां मौसम कार्यालय है देश के नंबर में। ओके, 36वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, महानदी बेसिन, यह सभी में सबसे अधिक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक सघनता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्राकृतिक प्रदेश में है। क्या बोला गया, वन क्षेत्र सर्वाधिक सघनता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्राकृतिक प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, दंडकारण्य में। दंडकारण्य में जो वन क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों की तुलना में सबसे अधिक सघनता में है। ओके, सघन मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस सन में बसाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 1962 में। ओके, 1962 में तिब्बतियों को मेन पार्ट में बसाया गया था। ओके गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।